बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कतर के वीजा फ्री एंट्री के बारे में, और वो भी ऑलमोस्ट 40 दिन तक। कतर का वीजा फ्री, विदाउट वीजा आप 40 दिन तक वहां पर रह सकते हैं, आपको किसी किस्म के वीजे की जरूरत नहीं है। और इस वीजा फ्री में, और वैसे जो कतर पाकिस्तानी सिटीजन को वीजा फ्री देता है उसमें काफी ज्यादा फर्क है। इस वीडियो में मुकम्मल डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। जी तो दोस्तों, कतर की बात करते हैं। कतर में फुटबॉल का वर्ल्ड कप है 2022 में, जो कि नेक्स्ट मंथ नवंबर में स्टार्ट होगा। तो आप 1 नवंबर से लेकर आप 24 दिसंबर तक आप कतर के अंदर वीजा फ्री रह सकते हैं। वैसे अगर आप पाकिस्तानी सिटीजन हैं तो वैसे भी कतर जाने के लिए आपको किसी किस्म के वीजे की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप कतर का जो वर्ल्ड कप है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप है, वो देखने जा रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ आपको किसी भी एक मैच की टिकट चाहिए। तो आप वो टिकट लेके विदाउट एनी रिक्वायरमेंट, सिर्फ आपके पास किसी भी मैच की एक टिकट होनी चाहिए और होटल बुकिंग होनी चाहिए और रिटर्न टिकट होनी चाहिए। इसके ऊपर आपको इजीली कतर में एंट्री मिल जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि कतर में आप एक टिकट के ऊपर कितनी देर तक रह सकते हैं, तो आप कतर 1 नवंबर से लेकर आप 24 दिसंबर के अंदर अंदर आप उसी जो मैच की टिकट है उसके अंदर अंदर आप रह सकते हैं। उसके बाद आपको या तो दोबारा वीजा लेना होगा या आपको कतर छोड़ना होगा। तो अगर आप भी कतर फ्री में फुटबॉल का वर्ल्ड कप देखना जाना चाहते हैं तो सिर्फ आपको एक मैच की टिकट चाहिए। तो आप उस मैच की टिकट के ऊपर कतर ऑलमोस्ट 40 दिन से ऊपर आप कतर रह सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल टीच वीजा को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी कतर के रिलेटेड सवाल है तो वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।